हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट चटपटे हरी मिर्च के अचार की रेसिपी। इसको हमने बहुत ही अलग और अनोखे तरीके से बना के रेडी किया है, तो आप ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। ये अचार सालों तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आज आपको मैं दो तरीके से अचार बनाना बताऊँगी, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या लिया है, हरी मिर्च ली है। ये तीखे वाली हरी मिर्च है, ये साइज़ में छोटा और मोटी होती है। ये तीखी वाली हरी मिर्च का ही अचार बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा चटपटा भी बनता है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। तो एक पतीले में हम गर्म पानी के लिए रख दिया है, तो गर्म पानी हो चुका है, तो इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे। गैस अभी ऑन मैंने हाई फ्लेम पर कर रखा है, और ये सारी मिर्च इसमें हम डाल देंगे और इसको ऐसे डुबो देंगे। सारा पानी में ये डूब जानी चाहिए, सारा पानी में चली गई है। तो इसको हम 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए बॉईल आने तक इसको थोड़ा एक बॉईल आने तक इसको थोड़ा बॉईल कर लेंगे। तो इसको ऐसे चलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि अच्छे तरह से चारों तरफ से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा हमें नहीं करना, बस एक उबाल आना चाहिए इसमें। तो एक उबाल आने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, बस 1 मिनट हमने इसको बॉईल किया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दबा के और ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। अभी ये देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, थोड़ी टाइट भी है। इसको ढक्कन लगा के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद में हम इसको चेक करेंगे, तो देखिए इसका कलर एकदम आपको चेंज मिलेगा और इसका थोड़ा तीखापन होता है वो भी हट जाएगा इस तरह करने से, और थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी हरी मिर्च। तो ये देखिए हमने 10 मिनट इसको ढक के छोड़ दिया था, और ये देखिए कलर इसका एकदम चेंज हो गया, आप देख पा रहे होंगे, और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट होनी चाहिए। ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो हमारी हरी मिर्च ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अभी हम क्या करेंगे, इसको छलने वाले चम्मच से हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे, पानी सारा हटा लेंगे, और ऐसे सारी इस थाली में हम ये हरी मिर्च निकाल लेंगे। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार बनता है, एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए पूरा हमने इसमें हरी मिर्च निकाल ली है। अभी हम इसको साइड में कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने तक इसको छोड़ देंगे, तब तक मसाला रेडी करते हैं। मसाले में हमने क्या लिया है, ये 100 ग्राम राई ली है, जो सरसों की छोटी वाली सरसों होती है वो हमने ली है 100 ग्राम। अगर आपके पास ये नहीं है तो मोटी वाली काली भी ले सकते हो। ये मैंने 60 ग्राम सौंफ लिया है, मेजरमेंट आपको बताती हूँ। 50 ग्राम हमने मेथी लिया है, साबुत मेथी है, और ये हमने नमक लिया है, 3 छोटे चम्मच हमने नमक का लिया है। तो यही हम मसाला यूज़ करेंगे। मसाला कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। तो एक पतीला ये सॉरी पैन लिया है, इसमें हम ये 60 ग्राम फिर से बताती हूँ मैं, आधा केजी मिर्च में हमने ये 60 ग्राम सौंफ डाला है, 50 ग्राम हमने मेथी लिया है। इनको हम रोस्ट कर लेंगे, राई को हम रोस्ट नहीं करेंगे। राई को हमें क्या करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ, राई को रोस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और इसको हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए, ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, तो थोड़ी इसमें नमी निकल जानी चाहिए। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है मेथी और सौंफ का। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका बताया है, लेकिन इस तरीके से अगर आपने बना लिया तो आपका अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, आप खाते ही रह जाएंगे, इतना टेस्टी अचार बनता है। तो इसको अलग मैं थाली में निकाल लेती हूँ, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इसका थोड़ा कलर चेंज हुआ है, और अभी हम चलते हैं राई की तरफ। राई का हमें क्या करना है बताती हूँ। तो ये मैंने 100 ग्राम राई लिया, राई की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और इसको हम मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसको थोड़ा रुक रुक के 2-3 बार इसको पीस लेंगे। दरदरा ही होना चाहिए, ज़्यादा अच्छे से पाउडर नहीं बनना चाहिए। तो देखिए थोड़े इसमें दाने हैं और थोड़ा इसका पाउडर, इसी तरह का ये हमें पीसना है। तो इसको हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे जो हमने सौंफ और मेथी रोस्ट करके रखा था, और हमें कुछ नहीं करना है, जो नमक है वो इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल अचार है, इसमें कोई मसाला नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगा। जो हमने राई डाला है ना, इससे बहुत ही खट्टापन इसका टेस्ट आएगा, चटपटा सा। तो इसमें हमें नींबू और कुछ डालने की झंझट नहीं पड़ेगा। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम साइड में कर देते हैं। और ये इधर हमारी हरी मिर्च है, तो इसके डंठल फ्रेंड्स हम हटा लेंगे। डंठल अगर हम साथ में रखेंगे तो डंठल सड़ जाते हैं, इससे हमारा पूरा अचार ख़राब हो जाता है। तो डंठल हमें अलग कर लेना है और बीच से ऐसे चीरा लगा लेंगे।
सारी मिर्च का ऐसे ही कर लेंगे। अगर मैं पूरा आपको वीडियो दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं आपको इस तरह सारे डंठल हटा लेंगे, बीच से चीरा लगा लेंगे, ऐसे सारी मिर्च को मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे हम सभी मिर्च को कर लेंगे। तो ये देखिए, फिर सभी मिर्च को हम ऐसे ही बना लेना है। तो सभी को हमने डंठल हटा लिए हैं और इसका बीच से चीरा लगा लिया। डंठल हटाने से हमारा अचार बहुत दिनों तक चलेगा। इससे क्या होता है कि डंठल से हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, ये मिर्च लेंगे जो चीरा लगाया था, उसमें ये मसाला भर देंगे। अच्छे से हमें भर देना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है। और अलग बर्तन में ऐसे निकाल लेंगे एक एक करके। आप अगर आपके साथ कोई और है तो उसको भी आप लगा सकते हो। और ऐसे करके हम सभी मिर्च को मसाला डाल लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका, लेकिन फ्रेंड्स ये अचार मैं आपको लास्ट में दो तरीका बताऊंगी। एक लंबे समय तक रखने के लिए बताऊंगी, एक 10-15 दिन खाने के लिए बताऊंगी। बहुत ही दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। तो लास्ट तक वीडियो बने रहे कि हमें क्या करना है। मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें हम अलग एक ही तरीका दो तरीके से अचार कैसे बनाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। तो ऐसे ही सभी मिर्च को हम मसाला भर लेंगे सभी मिर्च में। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। अभी ये हमारा अचार बन के रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, ये मैंने लिया है कांच का गिलास लिया है। इसमें हम डाल देंगे जो हमें लंबे समय तक रखना है, उसको हम कांच के गिलास में डालेंगे। इसमें हमें क्या डालना है मैं आपको वो भी बताऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिए। इसको हम साइड में कर देते हैं। अभी हम क्या लेंगे कि मेरे पास दूसरा कांच का नहीं है, अगर आपके पास कांच का तो उसमें डाल सकते हैं। अभी ये मेरे पास प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें हमने डाल दिया। तो दोनों का हमने अलग अलग डाल दिया है। कांच वाले में हमें क्या डालना है, प्लास्टिक वाले हमें क्या डालना है, मैं बताती हूँ। कांच वाले में हम सरसों का ऑयल गर्म करके, 200 ग्राम सरसों का ऑयल गर्म करके और उसको ठंडा होने के बाद इसमें हम डाल देंगे। और प्लास्टिक वाले में हम क्या करेंगे कि छाछ जो होती है, लस्सी होती है, वो उसको डाल देंगे। अगर आपके पास छाछ नहीं है, गाँव में नहीं रहते हो, तो दही में पानी मिला के उसकी लस्सी बना के इस अचार में आप डाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा और ऑयल वाला भी अचार आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगा। लेकिन एक साथ हमें जस्ट नहीं डालना है, 2 दिन बाद में डालना, जिससे मसाला हमारा अच्छे से फूल जाएगा। मसाला फूलने के बाद आपको इसमें छाछ और ऑयल डालना है। एक में छाछ डालना है, एक में ऑयल डालना है, तो आपका अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जो ऑयल वाला अचार है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, और जो छाछ वाला अचार है वो आपको 20 दिन 15 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टी तो लगता है लेकिन जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी अचार की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक।